की तरफ आए, यहाँ बहुत ही शांति है आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कुछ लड़के जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे इन लड़कों से पूछेंगे, हमको लग रहा है गांव के हैं, जरा पूछेंगे। दोस्त इधर आना, कहाँ जा रहे हो आप सब? किले पे चढ़ने। किले पे जा रहे हो? थोड़ा और करीब आओ यार, डर काहे रहे हो, तुमको मारेंगे थोड़ी हम यार। तुम आओ इधर आओ। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता जी किले पे जा रहे हैं, वहाँ भूत हो सकता है? नहीं। डर नहीं लगता? नहीं। भूत? क्या बोला तूने? भूत हो सकता है वहाँ पर? वहाँ भूत होगा तो रानी के महल में रहते। रानी के महल कहाँ है? ऊपर है? उस तरफ है, उस तरफ नीचे, नीचे के साथ। आप गए हैं कि नहीं रानी के महल में कभी? यहाँ से कितना दूर है अभी? हमें उसकी जानकारी तो नहीं थी, इन छोटे छोटे बालकों के द्वारा हमें जानकारी मिली है। खैर उसको भी चले। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सोनगढ़ का दूसरा द्वार है, जहाँ की इन बच्चों के द्वारा बताए जाने पर हमें जानकारी मिली, तब मैं आगे की तरफ बढ़ा। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस किले को बनवाया था गायकवाड़ डायनेस्टी के संस्थापक प्रथम किंग जो थे पिलाजी राव ने 1729 ईस्वी में इसको बनवाया था। आप देख पा रहे होंगे ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, और यहाँ पूरे यहाँ घासें उगाई हैं, घास पेड़ पौधे उगाए हैं, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। और यहाँ बताते हैं सोनगढ़ का मतलब होता है सोने का खजाना, जहाँ सोने से ही गढ़ा गया हो ईंट पत्थरें जो भी आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप कह लें। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के बताए जाने पर यहाँ हमें जानकारी मिली कि यहाँ रानी का महल भी है, जहाँ पर आज भी एक छोटा एक घिपड़ा जिसको हम चीता कह सकते हैं वो रखवाली करता है उस महल की। और महल आपको अभी हम दिखाएंगे, ये पहाड़ की ऊंचाइयों पर है, थोड़ा कैमरा हमारा उतना अच्छा नहीं है, आपको ये दिख रहा होगा जूम कर दिए हैं, यही है यहाँ रानी का महल है। और ये तीसरा गेट है, यहाँ पर ये जो सैनिक होते थे यहाँ से देखते थे, कोई मतलब ऐसी घटना हो तो उसको लिए तुरंत उसका वो जवाब देते थे। ये भी खंडहर रुको जरा सब तब्दील हो गया है। और हम आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ गुप्त द्वार हैं दो, जिसके द्वारा गुप्तचर राजाओं को कोई भी सूचना उन तक फटाफट पहुँचा देते थे। इन बच्चों के द्वारा हमें जानकारी मिली, तब मैं वहाँ जाने के लिए प्रेरित हुआ। लेकिन ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ, बस हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पर। और ये अभी हम देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि यहीं पर है। यही वाला है जी, हाँ आप देख पा रहे होंगे ये यही वाला है गुप्त रास्ता, ये प्रथम गुप्त रास्ता है, आप देख कर समझ पा रहे होंगे, जो कि कांटों से ढका हुआ है ताकि इसमें कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसमें कोई जीव जंतु ना गिर जाए, गिरने के बाद शायद वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए क्योंकि ये बहुत ही गहरा है, इसके माध्यम से गुप्तचर राजाओं को जाकर समाचार को सुनाते थे। और एक ये है और ये एक अभी आपको दूसरा दिखाएंगे हम, तब तक के लिए बने रहिए। हेलो हेलो, देख रहे हैं आवाज़ें कितनी गूंज के आ रही हैं। हेलो 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 हेलो, तो आवाज़ें गूंज के आ रही हैं, इसमें से ठंडी हवा आ रही है यार। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दूसरा गुप्त रास्ता है, आपको पिलर दिख रहा होगा, और इसके अंदर कुछ हलचल तो हो ही रही है, आप देख पा रहे होंगे इसमें लंबा सा पिलर लगा हुआ है, और ये यही गुप्त रास्ता है
जिसके थ्रू राजाओं के गुप्तचर उनका समाचार उन तक पहुंचाते थे, यही गुप्त रास्ता है। तब तक के लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, इसी प्रकार की अनोखी और अद्भुत वीडियो देखने के लिए बने रहें।